इस तरह की तैयारी क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं मेरी पार्टी के नेतृत्व को और पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने दोबारा मुझे पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने का मौका दिया है। उसके लिए मैं मेरा पार्टी के प्रति मेरा आभार व्यक्त करता हूँ। उसके पश्चात मुझे भरोसा है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, कांग्रेस पार्टी के स्थानीय संगठन पर, कि जिस जैसे उन्होंने पिछली बार कांग्रेस पार्टी को विजय दिलाई थी, इस बार उसी तरह से मेहनत करके कांग्रेस पार्टी को सफलता की ओर ले जाएंगे। आज पहली बार दौरे पर हैं, किस तरीके का दौरा रहने वाला है, क्या रणनीति आप तैयार करेंगे? सर मैं आज पहली मीटिंग हमारी उनियारा में है, तो उनियारा में संगठन के लोगों से, जन वो नहीं है, कार्यकर्ताओं से मीटिंग है, उनियारा ब्लॉक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, उनसे मीटिंग करूँगा। फिर उसके बाद मैं दूनी जाऊँगा, दूनी में वहाँ की दूनी बड़ा कस्बा है, वहाँ के समस्त कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं से उनसे बात करूँगा, उनके सुझाव लूँगा, और तत्पश्चात देवली में देवली ब्लॉक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से, पुराने अनुभवी कार्यकर्ताओं, उनसे संपर्क करके उनके सुझावों के मुताबिक आगे की तैयारी करेंगे कि किस आधार पर चुनाव लड़ेंगे। आपके विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं जोनापुरिया, चुनाव प्रभारी रमेश विदोड़ी, खुद बैसला सहित बड़े बड़े धुरंधर घूम रहे हैं, और आप आज पहुँचेंगे, किस तरह के देखते हैं? सर मैं ना धुरंधर हूँ, मैं एक सीधा सा आदमी, पर वो जैसे हैं, जैसे आप लोग उनको बेहतर जानते हैं, मैं किसी के बारे में खास तौर से जो मेरे विपक्षी पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं कांग्रेस पार्टी की रीति नीति पे, कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली पे चुनाव लड़ना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी चाहती है इस देश में शांति रहे, भाईचारा रहे, जैसे राहुल जी कहते हैं नफ़रत के बाजार में प्यार की मोहब्बत की दुकान, हम तो उस सिद्धांत के हैं, नफ़रत करेगा उसके हाथ जोड़ेंगे, पीटेगा उसके भी हाथ जोड़ देंगे, पर उससे बच के निकलेंगे। हम उस देश को जातिवाद में, धर्म के, सांप्रदायिक राजनीति में नहीं ले जाना चाहते। हमको सब हिंदुस्तान का जो भी नागरिक है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, इसका बराबर का हक है इस देश में रहने का, और सम्मान के साथ उसको रहने का हक है। हम कभी जाति के नाम पे, बिरादरी के नाम पे, धर्म के नाम पे हिंसा नहीं फैलाएंगे। हम सब जातियों का सम्मान करते हैं, पर जातिवाद का विरोध करते हैं। कोई भी पार्टी सब जातियों से मिलकर, सब धर्मों से मिलकर पार्टी बनती है, एक जाति विशेष से अगर कोई पार्टी, ना तो मैंने देखा है ऐसा, और ना सफलता मिलती है। और जनता समझदार है सर, सब जानती है किसी की सोच क्या है, विचार क्या है, क्रियाकलाप क्या है, इतिहास क्या है। और मैं आशा करता हूँ कि देवली उनियारा की जनता समझदार है, निर्णय अपना गुणवत्ता पे, काबिलियत पे, काम पे करेगी। देखिए सर, दूसरी पारी में, अब चूँकि पहली पारी में कई ऐसे आपके सपने थे जो अधूरे रह गए, वो किस तरह के मुद्दे हैं जिनको आप पूरा करने की कवायद करेंगे, क्या वो टारगेट रहेगा, किस तरह का विजन रहेगा इस चुनाव को? सर मेरा हरदम ये विश्वास रहा है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देश को, किसी भी प्रांत को अगर तरक्की करनी है तो सर्वप्रथम उसको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। शिक्षा के बिना कोई विकास संभव ही नहीं है। तो मेरा तो यही रहेगा, जितनी कॉलेज खुली, हायर सेकेंडरी खुली, जितने और जो भी शिक्षा के क्षेत्र में, उसको और बढ़ाएं। हमारे युवाओं को, महिलाओं को, पुरुषों को शिक्षा का जब मौका मिलेगा, और जब वो योग्य बन जाएंगे, काबिल बन जाएंगे, वो खुद का रास्ता खुद तय कर लेंगे, उनको किसी नेताओं की, पार्टी की जरूरत नहीं होगी। ये मेरी सोच है। रोजगार को लेकर किस तरह का विजन तैयार? रोजगार का सर पिछली बार आप बताइए, अभी हमारे देवली में औद्योगिक क्षेत्र है, पिछले मेरे कार्यकाल में आपने उनियारा में खुलवाया, अब मैं कोशिश करता हूँ और खुले कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उद्यमियों को उद्योग लगाने का मौका मिले और उसमें हमारे लोगों को काम करने का मौका मिले, ताकि क्षेत्र से बेरोजगारी दूर हो। देखिए बार बार ही चर्चा का विषय था कि हरीश जी मीणा अपना विधानसभा क्षेत्र बदलना चाह रहे हैं, वो बामनवास जाना चाह रहे हैं, और टिकट में देरी भी, क्या कहेंगे, क्या ये सर? मैंने कभी भी मेरी पार्टी के सामने ऐसा अनुरोध नहीं किया, कभी कोई व्यक्तित्व नहीं दिया। बामनवास सिर्फ वहाँ का, मैं मूल निवासी हूँ, मेरा जन्म बामनवास में हुआ। मैंने बामनवास से चाहे लोकसभा की राजनीति हो, चाहे विधानसभा की हो, मैं कभी वहाँ नहीं करी। हाँ मेरा गांव में मैं जाता हूँ, और मैंने पार्टी को स्पष्ट कह दिया था कि भाई मैं यहाँ से लड़ना चाहता हूँ, मैंने जनता में काम किया है, 5 साल काम किया है, और मैं चाहता हूँ आगे सेवा करता रहूँ जनता। टिकट की घोषणा के बाद कुछ लोग रूठे हुए हैं, उनको कैसे मनाएंगे? ये मेरा फर्ज है, जो पार्टी से नाराज है उनको मैं मनाऊंगा, जो मेरे से व्यक्तिगत नाराज है किसी क्रियाकलाप के कारण, कोई 5 साल में हो जाती है, कुछ कमी रह जाती है, उसकी वो मेरी जिम्मेवारी है कि मेरे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी के साथ जुड़े और पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाए।